टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में चल रही है बहुत सारी हायरिंग। जी हाँ, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में जो हायरिंग चल रही है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेकर एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, टेक्निकल, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आई है। बट आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी है। जी हाँ, सो टेक महिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हायरिंग चलती ही रहती है। नोएडा, गुड़गांव, बहुत सारी बैंगलोर, बहुत सारी लोकेशन में इनकी ब्रांच भी है। बहुत बड़ा एनवायरमेंट अच्छा है इनका, बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी है और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से लेकर वर्क फ्रॉम ऑफिस तक यहाँ पे वैकेंसीज जो है चलती ही रहती है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी है, जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है। कितना एजुकेशन होना चाहिए, स्किल्स क्या होने चाहिए, कौन सी लोकेशन में कौन सी वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे टेक महिंद्रा में जो हायरिंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, वो भी बैंगलोर लोकेशन में। जी हाँ, बैंगलोर लोकेशन में अगर आप बैंगलोर रहते हैं तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम क्या है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डेट यहाँ पे 26 अगस्त की, यानी कि अभी ही पोस्ट हुई है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। टेक महिंद्रा हैज अनाउंस अ जॉब अपॉर्चुनिटी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। सो टेक महिंद्रा के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कंपनी का नेम टेक महिंद्रा है, पोस्ट का नेम यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जॉब टाइप यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर है और एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 to 1 years का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे जॉब लग सकती है। 0 to 1 year का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए सिर्फ। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे ग्रेजुएट रहेगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लोकेशन आपका यहाँ पे बैंगलोर है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसे जो है देख सकते हैं, ओपनिंग्स कौन कौन सी निकल कर आई है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखिए अप टू 6 lakh पर एनम, एनुअली बता रही हूँ मैं, साल का। सैलरी पैकेज आपका 6 lakh का है, प्लस इंसेंटिव और प्लस बहुत सारी आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एचआर की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा टेक महिंद्रा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो सैलरी डेट होती है ना वो 30 से 31st की सैलरी डेट यहाँ पे होती है, वो कि आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाती है। अब नीचे यहाँ पे बात करते हैं अबाउट टेक महिंद्रा की। आपको पता ही होगा टेक महिंद्रा को ऐसी कंपनी है, ठीक है। वी आर सर्चिंग फॉर अ स्किल प्रोफेशनल टू ज्वाइन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेक महिंद्रा, यू विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कटिंग एज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर क्लाइंट डिवाइस नीड्स। अब यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा, कोलोबरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन एंड डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम है, एप्लीकेशन का काम है, डिजाइन का काम है, जो कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। पार्टिसिपेट इन कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग एक्टिविटीज, आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट टू टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड रिव्यूज, स्टे अपडेटेड विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंश्योर द डिलीवरी ऑफ रोबस्ट एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसकी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग का होना, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, C++ और पाइथन का आपको नॉलेज होना चाहिए। फैमिलैरिटी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेथोलॉजीज एंड टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके अंदर रिक्वायरमेंट्स होनी ही चाहिए। स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका स्किल्स होने चाहिए, कोडिंग का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम वर्क आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल लर्निंग आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप टेक्निकली या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कि काम आपको यहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये पता ही होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने आपको बता दी है, कैसे करना है आपको, सैलरी पैकेज बता दिया, लोकेशन बता दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन होगी विंडो, उस पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, या तो कॉल या तो ईमेल आपको आ सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको यही बोलती हूँ, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, ये आज जो मैंने आपको वैकेंसी शेयर किया ना, वो मैंने टेक महिंद्रा से रिलेटेड जो वैकेंसी निकल कर आई है इंजीनियर सॉफ्टवेयर की, उसके साथ मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।